दोस्तों ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग आप दोनों से बहुत सारे पैसे कमा सकते हो, लेकिन इन दोनों में से अच्छा कौन है और ये दोनों होता क्या है, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों ही शेयर मार्केट से पैसा बनाने के अलग अलग रास्ते हैं। अब ट्रेडिंग में क्या होता है कि आपको थोड़ी दूर चलने पर ही प्रॉफिट मिल जाता है, लेकिन इन्वेस्टिंग का रास्ता बहुत लंबा होता है, इसमें आपको प्रॉफिट बहुत समय बाद मिलता है। और इन दोनों के बीच का जो मेन डिफरेंस होता है वो है टाइम, क्योंकि ट्रेडिंग में बहुत कम समय में आप प्रॉफिट बना सकते हो। आप एक महीने में, एक सप्ताह में, एक दिन में, यहाँ तक कि कुछ मिनटों में बहुत सारा प्रॉफिट कमा सकते हो, लेकिन इन्वेस्टिंग में कुछ महीनों में, कुछ सालों में, 5 साल 10 साल 20 साल, उससे भी ज्यादा लग सकता है प्रॉफिट कमाने में। अब आप सोच रहे होंगे कि यार अगर कम समय में हमें पैसा मिल सकता है तो हम लंबे समय का इंतजार क्यों करें। तो यहीं पे मेन बात आती है ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को समझने की, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और ये बहुत क्लियर हो जाना चाहिए आपको इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले। यहाँ मैं आपको बता दूं, एक आदमी यहाँ पे ट्रेडर भी हो सकता है और इन्वेस्टर भी हो सकता है, यानी कि एक आदमी दोनों काम कर सकता है, लेकिन उसे ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बीच का डिफरेंस जरूर पता होना चाहिए। तो इस वीडियो में हम ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को तो समझेंगे ही, इसके अलावा हम इन दोनों के बीच के जो मेन डिफरेंसेस हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। दोस्तों सबसे पहले समझते हैं ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के कॉन्सेप्ट को। इसे समझने के लिए आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो राहुल नाम का एक आदमी अपने मोबाइल का दुकान खोलता है, वो मार्केट से सस्ता दुकान में मोबाइल लाता और अपनी दुकान पे बेचकर प्रॉफिट कमाता। उसका काम बढ़िया चल रहा था, लेकिन कुछ समय बाद उसके सामने एक और दुकान खुल जाती है अमित नाम के आदमी की, और वो वही मोबाइल राहुल के दुकान से भी सस्ते दाम पे बेचने लगता है। मतलब राहुल जो फोन 10,000 में बेचता था वही फोन अमित 9,000 में बेचने लगा। क्योंकि अमित की दुकान पर मोबाइल सस्ती मिल रही थी तो लोग राहुल के दुकान पे क्यों खरीदेंगे। अब क्योंकि राहुल के पास कस्टमर तो आ नहीं रहे थे, इसलिए वो बस दिन भर टीवी पे न्यूज ही देखता रहता था। सारे ग्राहक अमित के पास जाने लगे थे। तभी राहुल टीवी पे न्यूज देखता है कि जिस ब्रांड का मोबाइल वो लोग बेचते हैं वो मोबाइल चिप की शॉर्टेज की वजह से बनना बंद हो गया। अब यहाँ पे राहुल के दिमाग में एक आइडिया आता है, क्योंकि मोबाइल की डिमांड तो लोगों में बहुत ही ज्यादा है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग ना होने के कारण से अब उसकी सप्लाई बंद हो जाएगी। अब यहाँ पे देखे तो राहुल दो काम कर सकता है। पहला ऑप्शन ये है कि वो रोज सवेरे उठकर सबसे पहले अमित के पास जाकर उसके सारे फोन 9,000 में खरीद ले और वो अपनी दुकान पर वापस 10,000 में बेचकर प्रॉफिट कमा सकता है। दूसरा तरीका ये है कि वो रोज सवेरे अमित की दुकान पर जाकर उसके सारे मोबाइल खरीद ले और उसको अपने वेयरहाउस में स्टोर करके रखे और वो बेचे नहीं। इसी तरह कुछ महीनों तक उन फोन को स्टोर करके रखे और जैसे ही फोन का प्राइस मार्केट में बढ़ जाए वो उस फोन को 10,000 की जगह 12,000 बेचकर ज्यादा प्रॉफिट कमाए। अब यहाँ पे देखो ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को समझो। राहुल जब डेली फोन को सस्ते में खरीद के उन्हें बेच रहा था तो वो ट्रेडिंग कर रहा था, लेकिन जब राहुल फोन को कुछ महीने के लिए स्टोर करके रखा और जैसे ही उसका प्राइस बढ़ा तब बेचा, तब उसने इन्वेस्टिंग की, क्योंकि वो डेली चीजों को सेल नहीं कर रहा था बल्कि वो उन्हें सेल कुछ महीनों बाद कर रहा। बिल्कुल ऐसे ही ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग वर्क करती है। बस शेयर मार्केट में फोन की जगह शेयर्स रहते हैं, मतलब हम शेयर मार्केट में डेली फोन्स की जगह शेयर को सस्ते में खरीद कर महंगे में बेचकर प्रॉफिट कमाते हैं, तो वो ट्रेडिंग होती है। और अगर हम शेयर्स को सस्ते में खरीद कर कुछ महीनों, कुछ साल बाद जब उस शेयर का प्राइस बढ़ जाए तब बेचते हैं तो वो इन्वेस्टिंग कहलाती है। दोस्तों यहाँ इन दोनों की जो मेजर डिफरेंसेस है वो है टाइमिंग। आई होप आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब देखो इन्वेस्टिंग में क्या होता है कि लोग अच्छे कंपनियों के शेयर ढूंढते हैं और जैसे ही उन्हें कोई ऐसी कंपनी मिलती है जो फ्यूचर में अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करेगी, अच्छा परफॉर्म करेगी, वो उस कंपनी के ऊपर फंडामेंटल रिसर्च करते हैं और ये पता लगाते हैं कि क्या ये कंपनी इन्वेस्ट करने लायक है या नहीं, क्या इस कंपनी में अगर हम पैसा लगाएंगे तो बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। अब अगर इन्हें इन सवालों के जवाब मिल जाते हैं तो वो उस कंपनी में अपना पैसा लगा देते हैं और वो कंपनी इन्वेस्टर्स के पैसे को लेकर अपने नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करती है, अपने बिजनेस को और बड़ा करती है, नए एम्प्लॉयज़ को हायर करती है ताकि उनकी प्रोडक्शन बढ़ सके, ताकि वो ज़्यादा प्रोडक्ट्स को बना सके और ज़्यादा चीज़ें बेचकर ज़्यादा मुनाफा कमा सके। और जब उनको ज़्यादा मुनाफा होता है तो वो अपने इन्वेस्टर्स को खुश करने के लिए उस मुनाफे में से थोड़ा थोड़ा हिस्सा दे देते हैं। इस छोटे छोटे हिस्से को डिविडेंड बोलते हैं, क्योंकि देखो इन्वेस्टर जो होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करता है तो उसे आखिरी में जो रिवॉर्ड मिलता है वो तो मिलता ही है, साथ में कंपनियां बीच बीच में थोड़ा थोड़ा डिविडेंड देकर, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट का हिस्सा देकर अपने इन्वेस्टर्स को खुश करते रहती है। मतलब एक इन्वेस्टर्स को लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट होता ही है, लेकिन उसको बीच बीच में थोड़ा थोड़ा डिविडेंड भी मिलते रहता है जो उसके लिए एक अर्निंग का काम करती है। और मैं आपको बता दूं ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर हैं जिनके सिर्फ डिविडेंड की कमाई लाखों करोड़ों में होती है। वहीं दूसरी तरफ जो ट्रेडिंग होती है उसमें जो ट्रेडर होते हैं उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कंपनी क्या काम करती है, कंपनी प्रॉफिट कमाती है कि नहीं, कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, फंडामेंटल एनालिसिस पे भी ध्यान नहीं देते। एक ट्रेडर सबसे ज्यादा ध्यान देता है टेक्निकल एनालिसिस पे, वो चार्ट एनालिसिस पे ध्यान देता है, वो शेयर के प्राइस को ट्रैक करता है कि शेयर का प्राइस कब घट रहा है और कब बढ़ रहा है, वो उसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढता है। मतलब एक ट्रेडर का काम ऐसा होता है कि वो रोज सवेरे उठते ही सबसे पहले मार्केट खुलते ही किसी भी एक कंपनी का शेयर उठा लेगा और उसकी प्राइस का मूवमेंट को ट्रैक करेगा। अगर उस ट्रेडर को टेक्निकल और चार्ट एनालिसिस करने के बाद ये लगता है कि शेयर का प्राइस बढ़ेगा तो वो उसे कम रेट पे खरीद लेगा और जैसे ही शेयर का प्राइस बढ़ेगा वो उस शेयर को बेचकर प्रॉफिट कमा लेगा। जबकि इन्वेस्टमेंट में क्या था, जो इन्वेस्टर था वो शेयर को सस्ते में खरीद कर उसे कई साल बाद बेचता है जब उसका प्राइस बढ़ जाता है।
अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि एक ट्रेडर कैसे काम करता है और एक इन्वेस्टर कैसे काम करता है। तो दोस्तों ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग की बात यहीं पे खत्म करता है। तो आई होप गाइस आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।